आज हम पीठ के दर्द के बारे में बात करेंगे। पीठ का दर्द किन वजहों से हो सकता है? ये रीढ़ की हड्डी की वजह से हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में जो जॉइंट्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए जो मांसपेशी होते हैं उसके वजह से होता है, या वहाँ से जो नर्व्स या नसें निकलती हैं उसके दबने या उसके इंजुरी से होता है। पीठ का दर्द कितने प्रकार का होता है, अगर हम उसका ड्यूरेशन या समय देखें उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। जो 12 हफ्ते से कम होता है उसको हम एक्यूट पीठ का दर्द बोलते हैं, जो 12 हफ्ते से ज़्यादा का होता है उसको हम क्रोनिक बैकेक या क्रोनिक पीठ का दर्द बोलते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कि किस वजह से पीठ का दर्द हमको हो रहा है। अब किस वजह से में एक होता है नॉन स्पेसिफिक, जिसका हमको कारण नहीं पता होता है, और कुछ कारण जो पीठ दर्द के होते हैं वो स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं, जैसे इन्फेक्शन की वजह से हुआ या कैंसर की वजह से हुआ या चोट लगने से किसी हड्डी के फ्रैक्चर की वजह से हुआ। पीठ दर्द का जो या रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है ज्यादातर कारण नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ जो कारण होते हैं वो सीरियस कारण होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फ्रैक्चर हो गया। एक और कॉमन कारण होता है बैकएक का, स्पेशली लोअर बैकएक का। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं या जहां आप काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, उस काम में बिल्कुल मन नहीं लगना, या पारिवारिक तनाव, ये दोनों बहुत ही कॉमन पाए गए हैं जो लोग क्रोनिक बैकएक लेकर आते हैं डॉक्टर के पास। सबसे ज़्यादा कॉमन जो कारण होता है वो हमारा स्केलेटल मसल, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए मांसपेशियां हैं, उनका खिंचाव होता है। आप लंबे समय तक किसी अबनॉर्मल पोस्चर में सो गए तो वो मसल स्पैजम होता है या मसल स्ट्रेन बोलते हैं। सबसे कॉमन कॉज यही होता है। दूसरे जो अनकॉमन कॉज होते हैं वो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके जॉइंट पे ज़्यादा दबाव पड़ने से, उसकी वजह से भी हो सकता है फ्रैक्चर। आप कहीं आपका एक्सीडेंट हुआ या कहीं चोट लगा अनजाने में जो आपको पता नहीं लगा और आपको बैक पेन हो रहा है, उसकी वजह से आपका बैक एक परसिस्टेंट रहता है। दूसरे अनकॉमन कॉज जो होते हैं वो है स्पाइनल डिस्क डीजनरेशन या ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बढ़ती उम्र के साथ ऐसे कारण पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड बैक पेन होती हैं वो 50% से ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ में पाई जाती। कुछ पोस्चर्स हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवॉइड करनी चाहिए, जैसे काफ़ी ज़्यादा समय लंबे समय तक बैठना या काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहना, वेट उठाना, ज़्यादा भारी वजन उठाना या फॉरवर्ड बेंडिंग जो है, ये चीज़ें प्रेग्नेंट मदर्स को अवॉइड करनी चाहिए। जिस तरह मरीज कंप्लेन लेकर आता है तो डॉक्टर उस कंप्लेन का पूरा हिस्ट्री लेता है, तो उस कंप्लेन की हिस्ट्री और दूसरे इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई, इन सब की मदद से कई बार स्पेसिफिक कॉजेज तक पहुंचा जा सकता है। कैसे हम उसका उपचार कर सकते हैं? तो हीट थेरेपी होता है, वार्म बैग यूज करते हैं कई बार जिस जगह पे दर्द हो रहा होता है, कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी होता है, पेन किलर मसल रिलैक्सेंट के साथ या मसल रिलैक्सेंट अलग से। कुछ एक जो कारण होते हैं बैकएक के, उन केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है। आधुनिक समय में कुछ सर्जरीज जो हैं वो की होल के द्वारा परफॉर्म की जा सकती हैं। बैकएक या रीढ़ की हड्डी के दर्द के मरीज में जिनका दर्द 3 महीने या उससे ज़्यादा रहता है, ऐसे मरीज के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज़रूरी है। उनको एजुकेट करें, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दें और उसके साथ साथ जो कारण है दर्द का उसका उपचार करें। धन्यवाद।